एसएससी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। आज 24 नवंबर को एसएससी की तरफ से देखिए नया विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें पदों की संख्या 26,000 प्लस है। ठीक है, तो इस भर्ती के लिए आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं आज 24 नवंबर से ही। बाकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ कि कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, कैसे यहाँ पर आप चयन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पद के बारे में। तो पद का नाम है कांस्टेबल जीडी, जो कि भर्ती होगी आपकी सीएपीएफ में यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसएसएफ में। इसके अलावा राइफल मैन की भर्ती है असम राइफल्स में। ठीक है, और इसके लिए 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो है 1 जनवरी 2024 रात्रि 11 बजे तक, और फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 4 जनवरी से 6 जनवरी तक। फरवरी मार्च 2024 में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी खासी भर्तियाँ हैं, तो यहाँ पर आपके पास सुनहरा मौका, लेकिन एज यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज कुल मिलाकर के हैं 26,146 वैकेंसी यहाँ पर टोटल हैं। इसमें से जो मेल की वैकेंसी, पुरुष की वैकेंसी है 23,347 है, और महिलाओं की वैकेंसी है 2,799। अब ये देखिए यहाँ पर जो भर्ती है अलग अलग जो फोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर है जैसे कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स और SSF। इसमें कैटेगरी वाइज डेटा दिया गया है, ठीक है, महिलाओं का और पुरुषों का। इसी इतनी वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल अगर सबसे ज़्यादा बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है CISF में, 11,025 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पे लेवल देख लीजिए, पे लेवल यहाँ पर 3 रहेगा, मतलब मिनिमम बेसिक आपका बनेगा 21,700 से स्टार्टिंग आपकी होगी बेसिक पे की। इसमें TA DA मिलाकर के आपका पेमेंट जो है करीब 35,000 के आसपास मुझे लगता है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये है आवेदन, आप लोग SSC की वेबसाइट पर जा करके कर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी जल्द ही लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एज लिमिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो एज लिमिट देखिए, इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हों। 18 से 23 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। एज की गणना आपकी 1/1/2024 से की जाएगी, मतलब अगर आज की डेट में आप काउंट कर रहे हैं तो ऐसा मत करें, 1/1/2024 से अपनी एज काउंट करें। उस टाइम मैक्सिमम आपके 23 साल एज होनी चाहिए, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की मिल जाएगी, ex-servicemen को भी 3 साल की मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी का है यहाँ पर मेंशन किया गया, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जो आप जानना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पेज में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर केवल 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ तो इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर किए हुए हैं वो लोग भी आराम से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझना आपको ये ज़रूरी है, 1/1/2024 की डेट के पहले का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी अगर आप 10वीं की परीक्षा इस साल देना जा रहे हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। बाकी अगर कुछ आपके पास एक्स्ट्रा में है जैसे NCC वगैरह तो आपको यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। NCC का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे बोनस के तौर पर। इसके अलावा बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मैक्सिमम मार्क एग्जामिनेशन के हिसाब से बोनस मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए आप SSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। फ़ीस की बात कर लेते हैं तो फीस के लिए यहां पर जो केवल 100 रुपये लगेगा, लेकिन 100 रुपये ये सभी का नहीं लगेगा। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हों, या SC कैंडिडेट हैं, या ST कैंडिडेट हैं, या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनको जो कोई भी फ़ीस पेड नहीं करनी है। ठीक है, बाकी OBC और जो जनरल छात्र हैं उनको फ़ीस पेड करनी होगी, महिला छात्रों को बिल्कुल भी फ़ीस पेड नहीं करनी है।
ठीक है, फीस आप जो है यूपीआई वगैरह से भी कर सकते हैं, उस कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम इसका जो है सभी राज्यों के जो प्रमुख प्रमुख शहर हैं उन शहरों में आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो एग्ज़ाम की कोई दिक्कत नहीं, जो भी नज़दीकी आपका शहर है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पर परीक्षा होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो परीक्षा होगी ये आपकी सीबीटी मोड में होगी परीक्षा, और 80 क्वेश्चन होंगे, दो नंबर का एक आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट ए 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, पार्ट बी रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, पार्ट सी रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और पार्ट डी रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। एक घंटे का यहाँ पर आपको टोटल टाइम मिलेगा। अब पार्ट ए में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग वगैरह पार्ट ए में आएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ये आपका बी पार्ट में आएगा, जो प्रारंभिक गणित होती है आपका सी पार्ट में आएगा, और हिंदी इंग्लिश के प्रश्न आपके आएंगे डी पार्ट में। ठीक है, सभी प्रश्न वैकल्पिक रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश भाषा साथ में अलग अलग भाषाओं के यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएंगे। तो आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं आप आराम से यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब यहाँ पर नीचे सिलेबस दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है, जनरल नॉलेज का, जनरल करंट अफेयर का, गणित का, हिंदी का, सारा यहाँ पर जो है देखिए दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद पीएचटी के लिए जाते हैं, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। ठीक है, यहाँ पर आपका शारीरिक जो नाप जोक होती है वो होती है, दौड़ भाग होती है, सीना चेस्ट वगैरह सब नापा जाता है। इसके लिए कुछ यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे पुरुष जो अभ्यर्थी है इनके लिए बोला गया है जो रेस होगी इसमें 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा पुरुष अभ्यर्थियों के 24 मिनट में। ठीक है, और फीमेल के लिए बोला गया 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको 8.5 मिनट में। और ये जो स्टैंडर्ड किसके लिए हैं, तो बोला गया लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनको छोड़ करके, लद्दाख है रीजन के छोड़ करके बाकी सबके लिए स्टैंडर्ड है। जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं इनके लिए बोला गया 1.6 मीटर इन 7 मिनट और 800 मीटर इन 5 मिनट्स। तो ये मेल फीमेल का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर पीएचटी होगा, तो पीएचटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका पीएचटी होगा इसमें देखिए हाइट वगैरह भी देखी जाएगी, तो हाइट बोली गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर। तो जो पुरुष अभ्यर्थी है इनके लिए चेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए रहेगा आपका 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर जो है आपका 85 होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका जरूरी है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं इनको यहाँ पर जो है थोड़ा सा राहत दी गई है, इनके लिए 76 रहेगा बिना फुलाए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर। मतलब इसी तरीके से यहाँ पर हाइट में भी है, एसटी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अलग से देखो छूट दी गई है, खासतौर पर एसटी कैंडिडेट्स को छूट दी गई है, एससी को छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर चेस्ट में भी है एसटी को छूट दी गई है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आवेदन करने के लिए जो है आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।